So hello, what's up guys, welcome back to another vlog. और आज मैं आया अपनी दीदी को ड्राइविंग सिखाने के लिए. तो ये डे वन है, तो आज ये फर्स्ट डे है कि मैं इसे गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ. ये देखो, ये चलाना सीख तो रही है. मैंने इसे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे वर्किंग है. बट इसे वैसे मेरे को पूरा यकीन है, तब भी बहुत चीज़ों समझ नहीं आई होगी और कितनी चीज़ें पता नहीं होगी, तो इसकी थोड़ी टांग खींची जाएगी. और टेंशन मतलब इसको भी सिखाएंगे गाड़ी चलाना. पर ये जो है जानवी, ये बहुत बड़ी लेवल की प्रो है, क्योंकि इसने आज तक साइकिल ही नहीं चलाई, इसे स्कूटी भी नहीं चलाई और सीधा गाड़ी चलाना सीखेगी. जलवा है हमारा. तो अगर ये सीख गई गाड़ी चलाना तो सब लोग कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ कर देना कि तुम कितने अच्छे हो. तुमने से भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी गाड़ी चलाना भी सिखा दी अभी तो फिलहाल. मैंने साइकिल भी चलाई है और स्कूटी भी चलाई है, हालांकि मुझे चलानी आ नहीं पाई है पर चलाई है. चल छुट्टी. नहीं, इससे मैं एक बार अपनी स्कूटी लेके भी चलाने ले जाता था सोजयंती पार्क वाली रोड पे. तो ये कम स्पीड में तो चला नहीं पाती थी, क्योंकि बैलेंस डिसबैलेंस ऐसे होता था इसका बहुत ज्यादा. और भाई 60-70 की स्पीड पर सीधा हैंडल करके तो हम तम्मी से चला लेते थे. ये जलवा है हमारा. तो कुछ कहना चाहोगी थी? अब गाड़ी देखो गियर ऐसा लगाऊंगी, थर्ड गियर लगाना है. दूसरे गियर में 40-50 स्पीड में चले जाएगी तू. थर्ड गियर अब लगाएगी नहीं, क्योंकि इसे यहीं से यूटर्न लेना है. तो अब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, पक्का करके तुम्हें ही दिखाएगी. और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लग रही है हमारी गाड़ी. मैंने कर्टेंस, ये एम्बिएंट लाइट, स्टीरियो वगैरह पूरा, ये आर्मरेस्ट बीएमडब्ल्यू वाला है, इसमें स्टोरेज भी है. देखो, ओ माय गॉड, ब्रेक कतर खतरनाक ले रही हो तुम तो दीदी. और मैं एक और चीज बोल दूं, दीदी ने ड्राइविंग सीखी हुई है ऑलरेडी, उन्हें आती है. ये अपने ऊपर सारा क्रेडिट लेना चाहता है, इसकी आदत है ये. चलो दीदी, ये बताओ आपने कब सीखी थी? 3 साल पहले. हाँ, तो शादी से नहीं, शादी से पहले कितने, 3 साल बोल रही है, 5-6 साल पहले होगा. और तब से बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई, तो ऑब्वियसली बात है भूल ही गई सब कुछ फंक्शनिंग. अगर शादी तो फिर मैं को क्यों सिखाना पड़ता. बट लेकिन डे वन के अकॉर्डिंग काफी अच्छी चला रही है गाड़ी, काफी अच्छी. ये देखो प्रॉपर क्लच व्लच छोड़ पा रही है. और बट ये है कि हाँ, लड़की है तो ऑब्वियसली बात है सीट तो बहुत आगे करके ये सीखेगी. अब बाकी अब थोड़ा क्वेश्चनिंग पार्ट दीजिए, थोड़ी देर बात करेंगे. तो फाइनली बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ये आ गई है मेन रोड में, बाइक भी आ रही है, प्रॉपर चला रही है. एक जगह इसने गड़बड़ी कर दी थी, लेकिन कैसा लगा था गड़बड़ी देख के? यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. मेरे को भी हो रहा है. क्या कहती है? सबसे पहले जो लड़कियों को बदनाम किया जाता है कि लड़कियां इंडिकेटर नहीं देती हैं, चलती हैं, ये है वो है। भाई मैं हर टाइम प्रॉपर इंडिकेटर देख के गाड़ी चलाती हूँ. ठीक है, प्रॉपर देख के गाड़ी चलाती हूँ. ठीक है. अब दीदी काम उन्होंने हमने राइट, अभी तक इंडिकेटर नहीं दिया आपने? दिया. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. अरे सर क्या बात है, तो अभी तो दिया था. हर जगह देख और स्पीड उसके अकॉर्डिंग चल, चल चल घुमा. तो अब देखो जानी को हमने बाहर बुलाया गाड़ी सीखने के लिए, आ गई देखो येरी. अब इसे थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, गाड़ी भगाते हैं, इसे थोड़ा नाराज करते, दिखा इसे, इसे इसे तो दिखा कहीं है. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. आजा आजा, अब इसका थोड़ा चढ़ाएंगे. अब यहाँ से दीदी को देते हो गाड़ी चलाने के लिए, इसे धूप मार देते हैं. अब देखो गाड़ी कैसे उड़ा हुआ है, देखो भाई इसका मुंह कैसे उड़ाता हूँ, देखो. हाँ अब उड़ाओ इसे. मत कर मत कर मत कर. अब तुम बता जाओ, अब दूसरी बहन की अनलॉक करो, अब दूसरी बहन की बारी है, उसे थोड़ा सिखाते हैं. वो तो बिल्कुल जीरो है, जीरो. ये अगर ये मतलब अगर ये 10%, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, माइनस में. और दीदी पल्ले बड़ी वाली, बड़ी वाली दीदी काफी अच्छी चला लेती है, बट छोटी वाली भी बिल्कुल जीरो, क्योंकि आज तक सारी साइकिल नहीं चलाई तो गाड़ी सीधा चलवा रहे हैं. कहा स्कूटी के 150 सीसी से सीधा 1200 सीसी में ला रहे हैं, तो बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है. लेट्स सी कैसे चलाती है. और देखो स्टाइल देखो उसका, ओवर एक्टिंग की दुकान है. देखो पैर साली के पहुंच नहीं रहे और पीछे जा रही इतने साले पहुंच रहे. चल हांगने की तैयारी करनी, क्लच दबाया नहीं, गियर मार दिए, क्लच दबाया नहीं,
हाँ बहुत पीछे कर रही है, औकात में आप नहीं चले, स्टाइल मत मारे यार। क्लच दबा, क्लच दबा, क्लच तो दबा, गियर बाद में दबाते हैं। तेरा क्या बोला तूने? पहले क्लच दबा, चल तो नहीं जाएगी ना। नहीं क्लच दबा, अबे क्लच से थोड़ा चलेगी तो गियर नहीं मारेगी तो। यानी पहले रुजा सीट आगे कर, स्टाइल बहुत मान लिया यार, औकात में आ जा बोनी। चल क्लच दबा, पूरा दबा दे, अब गियर मार। गियर हाँ, पहला गियर मारना है, क्लच दबा के रख। नहीं ये तो तीसरा है, क्लच दबा नीचे कर, लेफ्ट अभी नीचे लेफ्ट कर। हाँ हाँ हाँ, अब हल्का हल्का क्लच, ब्रेक के ऊपर पैर रख, ब्रेक का है। हाँ इसके ऊपर पैर रख ही रख, क्लच छोड़ छोड़ धीरे धीरे। नहीं नहीं बस पैर रख के रख उसके ऊपर, क्लच छोड़, ब्रेक से पैर हल्का हल्का हटाती रहे बस। तो पैर रेडी, ब्रेक के लिए रेडी रहियो ठीक है, जब बोलूँगा ब्रेक मारना है बस। अब हैंडल घुमाती रहे, क्लच से पैर हटा दे अब। गुड, कैसे लग रहा है? रेस नहीं देनी, रेस में मत देख, आराम से नीचे रेस देख रही है, रेस मत जानी भी। अरे नहीं देनी होती इतनी तेजी यार, मेरे को ऐसे धीरे चलाने में बोरिंग लगता है। कोई नहीं, अभी एक दिन और, अगले दिन से सही चलेगा। ये थोड़ा ऊपर तक छोड़ दो, आ गया ये, पर एकदम सब ऊपर तक मत छोड़, आराम आराम से छोड़। सिखा भी कौन रहा जो खुद नहीं आती। ओ, तुझे नहीं आते होगी, साल बोल मत दिया। चल गई। हेलो दोस्तों, हम आ गए आज अपनी कार को वॉश करने के लिए। बहुत गंदी हो रही थी कल बारिश, पूरी धूल मिट्टी से हो गई थी, पूरी धूल मिट्टी से रंग गई है। तो हम आ गए कार वॉश करने, वेदा भी हमारी हेल्प कर रहा है थोड़ी थोड़ी, बट इसका हेल्प करने का तरीका बड़ा कैजुअल है। ये कुछ नहीं, बस ये सब देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा, बस ये सब देख जा रहा है। और इस लड़के ने मुझे स्पेशली नीचे बुलाया गाड़ी साफ करने के लिए, नहीं इसका व्लॉग बनाने के लिए। इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है ये व्लॉग से, ना ही इसके लाइक्स आते हैं, ना शेयर इसके बढ़ते हैं, ना इसके व्यूज़ अच्छे आते हैं, फिर भी ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपनी व्लॉगिंग से। देखो किसी को संपर्क करना हो, इसे कहते हैं इसे गाड़ी क्लीन करने वाले से, तो कर सकते हैं। नन्हा सा बच्चा है बेचारा, वैसे तो कॉलेज जाता है पर पढ़ाई में इसका मन बिल्कुल नहीं लगता। पता नहीं इसकी घर वाले क्यों इस पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसका सारा मन तो इन फालतू की चीज़ों में है। ये देखो, और एक ये है शैतान बच्चा, अपनी मम्मा की पूरी लिपस्टिक अपने फेस पे लगा के आ गया जो। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कैसी लग रही है इन लोगों की ड्राइविंग जो कि मैं सिखा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय, बोल दो बैकग्राउंड।